वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो के थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि अपने पास गुड न्यूज़ ये है कि अपनी जो प्रैक्टिस सीरीज थी वो स्टार्ट हो चुकी है, और अभी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर्स को। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन सा है और मुझे पता है कि आप लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा। मैंने सिलेबस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप सिलेबस देख लेंगे ताकि बार बार मुझे आप कमेंट करके ये नहीं पूछे कि किस क्लास के लिए है। तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आप प्रॉपर चैनल पर आपको पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर्स किन किन क्लासेस में आ रहे, और मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसमें हर टाइप का सिलेबस मतलब हर क्लास का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में जो रेशनल नंबर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें रेशनल नंबर्स और CPQS के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे उसमें कंप्लीट प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी, इसलिए ये मत सोचना कि केवल CPQS के क्वेश्चंस मैं रखूँ या फिर केवल MPTS के क्वेश्चंस रखूँ। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो बगैर कुछ लेट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हमें आज जो डिस्कस करना है वो रेशनल नंबर्स डिस्कस करने हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। इसके अलावा नंबर्स और भी होते हैं, लेकिन मैंने इतना ही क्राइटेरिया कवर करना उचित समझा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इतना ही कवर हो पाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो नेचुरल नंबर्स थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत वन से होती है, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत वन से होती है, वन टू थ्री एंड सो ऑन। होल नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो होल नंबर्स में जीरो और इंक्लूड हो जाता है, जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। यानी होल नंबर्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। अगर इसको और थोड़ा बेहतर तरह से डिफाइन करेंगे तो ये क्रिएट करके देगा जीरो, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। यहाँ से इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर्स में आपको पता चलेगा कि इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये ज़ीरो रखता है, वन रखता है, टू रखता है एंड सो ऑन। यहाँ से माइनस वन, माइनस टू एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स का अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये चार पार्ट्स में है, इनको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इनिशियल लेवल पर यहाँ बेसिक्स से समझ लेते हैं। रेशनल नंबर की चर्चा भी आज के टॉपिक में हमें करना ही है, इसको बाद में देखते हैं। इरेशनल नंबर्स हम लोग समझ रहे हैं कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर्स के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूँ तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सभी का स्क्वायर रूट असल में इरेशनल नंबर ही होता है। इरेशनल नंबर को और अच्छे से डिफाइन करने पर हमको पता चलता है कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। किसके फॉर्म पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर्स की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि रियल नंबर अपने आप में ही एक बड़ा नंबर सिस्टम है। तो रियल नंबर डेफिनेशन समझ लेंगे, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। इवन नंबर्स आप जानते हैं वो नंबर्स जो असल में टू से डिविजिबल होते हैं उनको इवन नंबर्स बोलते हैं, टू फोर सिक्स एट इस तरीके के नंबर्स इवन नंबर्स बोले जाते हैं। माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, माइनस एट, ये भी इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं। यहाँ से ऑड नंबर्स अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो नंबर्स जो इवन नहीं है। इवन नंबर को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पी बाई टू, क्या कहा? पी बाई टू, मतलब नंबर क्या होना चाहिए? टू से डिविजिबल होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो वैल्यू इंटीजर में जानी चाहिए। ऑड नंबर का मतलब होता है कि पी बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, कुल मिलाकर के नंबर टू से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फाइव, इस तरीके के नंबर्स ऑड नंबर्स बोले जाते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो असल में वन एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। वन एंड इटसेल्फ यानी जो खुद से डिविजिबल हों और वन से डिविजिबल हों। जैसे टू एक प्राइम नंबर है, क्या है? टू एक प्राइम नंबर है। टू की स्पेशल क्वालिटी ये भी है कि टू एक इवन प्राइम नंबर है। पूरे नंबर सिस्टम में केवल टू एक ऐसा इवन नंबर है जो असल में प्राइम होता है, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम इवन नहीं होता है। जैसे थ्री हो गया, थ्री किस तरीके का नंबर है? एक प्राइम नंबर है। थ्री किससे डिविजिबल है? थ्री खुद से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है। जैसे सेवन हो गया, एक प्राइम नंबर है, किससे डिविजिबल है? खुद से डिविजिबल है और सेवन से डिविजिबल है।
कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो असल में दो नंबर्स के मिक्सचर से बने होते हैं। जैसे कि 6 एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा दिया तो हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो टू नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। याद रखेंगे वन जो नंबर है वो ना ही कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, इस बात को याद रखेंगे। वन ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी वन होता है। टू नंबर्स के बीच का जीसीडी अगर वन जा रहा है तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर्स। यानी टू और थ्री किस तरीके के नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब आप बोलेंगे सर जीसीडी क्या होता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब एच सी एफ, एलसीएम और एससीएफ। अभी आपका टॉपिक हम लोग आगे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा तो फिर मैंने ऐड कर दिया है। अब अगर इतने नंबर सिस्टम की हम लोग बात करें तो आपको समझ आ गया होगा नेचुरल नंबर की शुरुआत वन से होती है। वन के पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है, वन टू थ्री एंड सो ऑन। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर में ही अगर जीरो को हम और इंक्लूड करा देते हैं तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीजर्स आप जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। रेशनल नंबर्स की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब रेशनल नंबर्स को हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं। पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर एंड पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू सेड। तो ये जेड का मतलब है इंटीजर्स। तो कुल मिलाकर के ये दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। जनरली क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यू इज टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर एंड पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। तो इस तरीके के नंबर एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बताते हैं, वो नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, मतलब जो रेशनल नहीं है उन्हीं को इरेशनल बोलते हैं। एक्चुअली इरेशनल की कोई अपनी डेफिनेशन होती नहीं है, इसीलिए सबके डेफिनेशन बताई लेकिन इरेशनल नंबर की आपको डेफिनेशन नहीं बताई। तो इसको याद रखेंगे, वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिपीटिंग। इस तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसको बाय एग्जाम्पल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 0.3333 और ये इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है, क्या ये एक इरेशनल नंबर है? तो ये इरेशनल नहीं, ये रेशनल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, एक रिपीटेशन आ रहा है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 1/3 लिखा गया है। 3 से आप डिवाइड करा दें, 3 से डिवाइड कराइए किसको, 1 को, तो आप देखेंगे कि जो भी आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर वो असल में यही आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन जो होता है वही रियल नंबर होता है। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, फिर ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट नंबर टू नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इट में आइदर वन प्राइम नंबर और बोथ आर प्राइम नंबर, यानी टू प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो कंपोजिट होता है। यानी 12 जैसे है 12, तो 12 नंबर किस तरीके का नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर इसको हम देखें तो 6 × 2 भी लिख सकते हैं। तो दो नंबर्स का, एटलीस्ट टू नंबर्स का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। को प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनका जीसीडी, जिन टू नंबर्स का जीसीडी 1 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एस को प्राइम नंबर्स। यानी जिनका एससीएफ क्या होता है, 1 होता है। जिन टू प्राइम नंबर्स का जीसीडी 1 हो यानी एससीएफ 1 हो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इस पूरी सीरीज में अब ये जो चार हिस्से हैं इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस बात को बहुत गहराई से समझना, और देखो नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है। ये जो आज 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे आज ये सीख रहे हैं, ये आगे चल करके 9th और 10th में आप देखेंगे ब्रॉड लेवल पर यूज़ होता है। 11th 12th में तो आपको आने के बाद ये दोनों ही चीज़ें क्लियर कट देखने को मिलती हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। अब बच्चा यही कन्फ्यूज होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव इंटीजर्स में असल में डिफरेंस क्या है। ये मत समझना कि ये 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड का है, जो आपके आर्यभट्ट नेशनल कॉम्पिटिशन में उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स असल में क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ से नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नहीं, और पॉजिटिव नहीं का मतलब निगेटिव। तो निगेटिव बात तो सही है, पॉजिटिव नहीं मतलब निगेटिव,
लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली है कि ज़ीरो भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो एक पॉजिटिव नंबर नहीं है। सेम प्रोसेस, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ज़ीरो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें एक कॉन्क्लूजन ये मिलता है कि ज़ीरो इज़ एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी ज़ीरो के लिए हमें क्या पता चला, नाइदर पॉजिटिव नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जबकि यहां से अभी हम लोगों ने वन के लिए क्या देखा था, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये अभी इस वीडियो में ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नंबर सिस्टम आगे आने वाले भविष्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कंफर्म करना और दो तीन बार रिपीट करके देखना, पॉज करके देखना, और इसको कहीं चार्ट को प्रिपेयर कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम जब तक पढ़ाई करोगे तब तक ये नंबर सिस्टम आपके साथ चलता रहेगा, फोर्थ फिफ्थ स्टैंड से शुरू होता है और फिर जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी तब तक चालू रहेगा। ये जो ग्रीन कलर से चार हिस्से हैं ये आपका नाइन्थ से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद इनका ब्रॉड लेवल पर यूज़ होता रहेगा, इसलिए चीज़ों को गहराई से समझना। इवन देन जो आईआईटी का एग्जाम होता है, आईआईटी के एग्जाम में भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बोलेगा कि एक्स प्लस वाई इज़ टू अगर 10 है तो इसके कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, कितने नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस नंबर सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो इसको ये जो है इन्हें रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। रिकरिंग डेसिमल का मतलब, अभी मैं पीछे आपको एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ था कि 1/3 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि 3 से आप डिवाइड कराइए किसको, 1 को, और इसको अगर हम डिवाइड कराते हैं तो डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, अगेन वी गेट द रिमाइंडर 1, फिर डेसिमल लगा हुआ है, देन 3 3 जा 9, अगेन वी गेट दी 1, फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 फिर बढ़ाया, फिर हमने 3 से डिवाइड करा, और इस तरह से ये चलता रहेगा। क्या ये कभी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। पीछे इरेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन बताई थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। यानी डेसिमल के बाद इरेशनल नंबर्स की खास बात होती है कि डेसिमल के बाद कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है, और अगर रिपीटेशन आ जाता है तो इस तरीके के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। तो जैसे 0.6 जीरो, इसको दो तीन तरीके से लिखा जाता है, जैसे 0.6 के ऊपर भी एक बिंदी लगा दी जाती है, या फिर 0.6 के ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है, इस लाइन को बार बोलते हैं। तो 0.6 के ऊपर अगर डॉट है या फिर लाइन ट्रेस है, 0.6 के 6 के ऊपर लाइन ट्रेस है, तो इसका मतलब है ये रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा उसके लिए आप याद रखेंगे, अगर लिखा गया है 0.P बार, तो इसका मतलब होता है P/9, ठीक है। अब अगर इस प्रोसेस से हम देखें, देखो ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा है 0.3, अभी इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर सॉल्व कराया, अब इसके इसमें देखो 3 के ऊपर डॉट है, तो एक डॉट, जब ये डॉट हटेगा तो ये डॉट हटने पर आपको क्या दे करके जाएगा, ये आपको दे करके जाएगा, और जैसे ही ये डॉट हटता है अपॉन में आपको 9 देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है, 9 देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये वाला डेसिमल हटेगा, ये वाला पॉइंट हटेगा, और इसकी जगह पर हमें क्या देखने को मिल जाता है, 3/9, 3 3 जा 9, देन वी गेट दी 1/3, और 1/3 भी आपको डिवाइड करके दिखाया था, यही है 0.333। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो 0.6 बार, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/9 प्लस ये क्या है, 7/9 प्लस ये क्या है, 8/9। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 9 आ जाता है, और अब इनको ऐड कर देते हैं, 6 और 7 13, 13 और 8 13 और 8 21, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x/y। x/y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है 5x-3y/5y-3x=3/4, x/y चाहिए, इसलिए हम न्यूमरेटर से y को कॉमन करेंगे, और जैसे ही न्यूमरेटर से y को हमने कॉमन किया तो 5x/y-3, y को कॉमन करेंगे तो y यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर y है नहीं तो अपॉन में आ जाएगा, होल अपॉन, यहाँ से हमने क्या किया, y कॉमन कर लिया, और जैसे ही हमने यहाँ से y कॉमन किया तो जब y यहाँ से हटा तो 5 आ गया, -3 फिर x/y = ये क्या है, 3/4। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया है, y को न्यूमरेटर से कॉमन किया, y को डिनोमिनेटर से कॉमन किया, y से y कैंसिल कर दिया।
अब जो हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 5x/y-3 क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इधर आ जाता है, 3 5-3x/y। अब हमें क्या करना है, 5 4 4 को अंदर रन करा तो 4 जब अंदर जाएगा तो 4 एक बार इसके पास भी जाएगा और फिर एक बार इसके पास भी जाएगा, देन 5 4 20x/y-4 3 12 -15 साथ में x/y। अब हमें क्या करना है, x/y वाले टर्म्स एक साथ ले आते हैं, तो इधर से देखते हैं, यहाँ से देखने को मिलता है 20x/y-9x/y = 15 -12। यहाँ से हमको देखने को मिलता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया, देन वी गेट दी 11x/y = 27। यानी x/y की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 27/11। एक बार रीचेक कर लेंगे और देख लेंगे कि प्रोसेस हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो मेरे हिसाब से सही जा रहा होगा। यानी इसमें से विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम चाहें तो इसका एक इजी वर्जन भी है, सेकेंड मेथड इसका देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो हमें देखने को मिलता है 5x-3y = 3, यहाँ से 5y-3x। अब एक काम करो, जरा अंदर रन करा दो, 20x-4 3 12y = यहाँ से 15y-9x। अब एक काम करो, x वाले सारे टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, 20x+9x = 15y+12y। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर एरर था, ये माइनस जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से अब इन दोनों को ऐड करने पर आपको देखने को मिलता है 29। कितना देखने को मिलता है, 29x = 27y। तो कुल मिलाकर के x/y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 27/29। यहाँ पर क्या हो जाता है, 29, यहाँ पर क्या हो जाता है, 27/29। अभी भी अपना विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, क्योंकि 27/29 किसी भी ऑप्शन में है नहीं, और 29 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से कैंसिल हो नहीं पाएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 आर डिविजिबल बाई 13। अच्छा, पूछ रहे हैं कितने नंबर्स हैं जो असल में 100 और 300 के बीच में लाई करेंगे और 13 से डिविजिबल होंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले 13 से डिवाइड करा देते हैं 100 को। तो मुझे लगता है 13 7 जा 91, यहाँ से 9 रिमाइंडर बच जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें उससे मतलब है, क्वेश्चन अपने पास आ जा 7। इस बार क्या करो, 13 से डिवाइड करा दो 300 को, और जैसे ही हमने 13 से 300 को डिवाइड कराया, 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26, कितना मिल जाता है, 26। यहाँ से कितना मिल रहा है, 4। 13 3 जा कितना मिल जाता है, 39। रिमाइंडर कितना बचा, 1। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। अब कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान से देखें तो 100 नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300। तो अब हमें क्या करना है, 23 में से 7 को माइनस कर देना है। क्या करना है, 23 में से 7 को कर देना है माइनस। तो 23 में से जब 7 को माइनस किया तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 23-3, देन वी गेट दी 16। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 300 के बीच में, 100 से 300 के बीच में कितने नंबर 13 से डिविजिबल होंगे, तो 16 नंबर्स हैं जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 13 से डिविजिबल होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास रहा, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 9। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, अभी हम लोग आगे इसको चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कैसे चेक करते हैं, फिलहाल अभी हमें जो करना है वो जरा समझ लेते हैं। अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होगा
कि इन किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। किससे? 9 से डिविजिबल होगा। तो इन सबका जी ये जितना भी नंबर ये नम इस नंबर के सारे डिजिट्स ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस k प्लस 1, और ये सब किससे डिविजिबल होंगे? 9 से डिविजिबल होंगे। यानी इन सबको जरा ऐड कर लेते हैं, 6 6 12 1 13 13 3 16 5 21 1 22 प्लस k। क्या कहा? 22 प्लस k। पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर सच में ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो 9 का जरा टेबल कंसिडर कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी रख दी जाए, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, देखो k की वैल्यू अगर हम यहाँ से डिस्कस करते हैं तो k की दो वैल्यू जनरेट हो सकती हैं। एक तो k की वैल्यू -4 हो सकती है, क्योंकि अगर 22 में से 4 सबट्रैक्ट करा देते हैं तो 18 आएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है, लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए -4 हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो दूसरी वैल्यू हमारे पास बच रही है वो क्या बच रही है? k की वैल्यू अगर हम 5 ले लें, 5 लिया तो k की वैल्यू 5 लेते ये हो जाता है 27, और 9 3 जा 27, मतलब 9 से डिविजिबल है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू 5 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जरा डिविजिबिलिटी अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर डिविजिबल बाई 9 आया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था। अब हम लोग जरा डिविजिबिलिटी सारे नंबर्स की चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 2, आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है, यानी लास्ट डिजिट अगर 0 है या 2 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। जैसे हमने ले लिया 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो बिल्कुल ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि आप इसका लास्ट नंबर देखें तो ये लास्ट नंबर जो है ये असल में 2 से डिविजिबल है। सेम हमने ले लिया 7 8 6 0, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो लास्ट नंबर है वो असल में देखो क्या है, 0 है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हमने ले लिया है 10, इसका मतलब कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स इन अ इन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर नंबर्स का जो सम है, जैसे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए क्या करो? इन सारे नंबर्स को, इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 9 2 11, 11 7 18, 3 21। अगर सम, अगर डिजिट्स, नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो मतलब नंबर भी 3 से डिविजिबल है, और 21 आप जानते हैं 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब कि ये नंबर जो है ये असल में 3 से डिविजिबल होगा। मुझे लगता है 2 और 3 दोनों याद हो गए होंगे। 2 के लिए मैंने क्या बताया? 2 के लिए बताया कि जो लास्ट होना चाहिए वो या तो 2 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो। 3 के लिए क्या होता है कि किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाई 4 में हमने क्या बताया कि लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, क्या कहा? लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 4 से देखो 16 डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये होल नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। तो याद रखेंगे लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 3 के लिए हमने क्या बताया कि नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 2 के लिए क्या बताया? लास्ट में या तो 0 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो, तो फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 के लिए क्या बताया गया कि लास्ट का जो नंबर होगा वो या तो 0 होगा या 5 होगा। जैसे कि ये इसका एक एग्जाम्पल ले लिया है, लास्ट में देखो क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब 0 में याद रखेंगे ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, याद रखेंगे ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। जबकि इसी जगह पर हमने एक नंबर ले लिया 135, ये ले लिया। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ लास्ट डिजिट इसका क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि या तो लास्ट में 0 हो या फिर लास्ट में 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाई 6 के लिए क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 6 के लिए एक तो ये डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही है, एक दूसरी डेफिनेशन याद रखेंगे, डिविजिबल बाई बोथ। क्या कहा? डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। अगर हम देखें नंबर 6, तो 6 असल में दो नंबर्स का मिक्सचर है, एक नंबर 2 और दूसरा नंबर 3। तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तो फिर वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाई 2 अभी आपको क्या बताया कि लास्ट में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि है, तो नंबर 2 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या बताया कि ये जितने भी आपको यहाँ पर डिजिट्स दिख रहे हैं, इन सारे डिजिट्स का सम 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 8, इन सब का सम 4 5 9 9 18, अगर ये सम
थ्री से डिविजिबल है तो होल नंबर थ्री से डिविजिबल है। अब अगर इस नंबर को देखो तो ये टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है, तो मतलब डिविजिबिलिटी बाई सिक्स, यानी ये हमारा एग्जाम्पल जो लिया गया है एकदम सही है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट डिविजिबिलिटी बाई सेवन। सेवन के लिए बच्चा थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, सेवन के लिए जो लास्ट नंबर होगा, क्या कहा, सेवन के लिए जो लास्ट नंबर होगा इस नंबर का डबल कर देना, ध्यान से समझना, जो लास्ट नंबर है उस नंबर का कर देना डबल, और बाकी के जो नंबर बच गए हैं उससे उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करा देना। जैसे कि ये देखो मैंने करा दिया है, 44 में से 16 को माइनस कर दिया गया तो हमें कितना देखने को मिल जाता है, 8, और यहाँ से हमको क्या देखने को मिल जाता है, 28। कहा जा रहा है कि जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर को टू का डबल मतलब उसको ट्वाइस कर देना, ट्वाइस ऑफ द लास्ट नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड बाय द रेस्ट नंबर्स, इफ द रिजल्टेंट इज डिविजिबल बाय सेवन देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय सेवन। और ये अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। फिर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर, ये लास्ट नंबर जब भी मैं बोलूँ जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो लास्ट नंबर मैं बोलता हूँ तो लास्ट नंबर ये है, और जो लास्ट नंबर है असल में जब इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यही असल में यूनिट्स प्लेस पर होता है। इसलिए आप थ्योरी में देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट देखने को मिल रहा है, तो बोथ आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो लास्ट नंबर में टू का मल्टीपल करना है और जो नंबर जितने भी बच गए हैं उसमें उस नंबर से माइनस कर देना है। तो जो बच रहा है वो अगर इवन, अगर मतलब सेवन से डिविजिबल है तो मतलब नंबर भी सेवन से डिविजिबल होगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फोर फोर थ्री सेवन, चलो ऐसे ले लिया 437। अब इसका लास्ट नंबर क्या है, सेवन, तो इसका मतलब 43 में से हम कितना माइनस कर दें, सेवन इंटू टू, यानी यहाँ से आपको देखने को मिलता है 43 माइनस 14। अब जब हमने माइनस किया देन 40 39, और यहाँ से 312। अब देखो क्या ये सेवन से डिविजिबल है, सेवन से डिविजिबल नहीं है, और सेवन से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये नंबर भी सेवन से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाई एट। देखो टू डिविजिबिलिटी बाई टू में आपको क्या बताया था, या तो लास्ट में जीरो हो या फिर टू का मल्टीपल हो। फिर आया डिविजिबिलिटी बाई फोर, तो डिविजिबिलिटी बाई फोर में आपको क्या बताया कि लास्ट टू डिजिट्स फोर से डिविजिबल होने चाहिए। किससे, लास्ट टू डिजिट्स किससे डिविजिबल होने चाहिए, फोर से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो डिविजिबिलिटी बाई एट आ गया है, तो एट, अभी देखो यहाँ पर सिंगल डिजिट देख रहे थे, यहाँ पर डबल डिजिट देखने लगे, तो एट की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, लास्ट थ्री डिजिट्स देखेंगे, क्या लास्ट थ्री डिजिट्स देखेंगे। अगर लास्ट के थ्री डिजिट एट से डिविजिबल है तो मतलब होल नंबर डिविजिबल होगा किससे, एट से। तो ये तीनों का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, टू में सिंगल डिजिट, फोर में डुअल डिजिट और एट में ट्रिपल डिजिट। तो यहाँ से अब इन तीन नंबर्स, लास्ट के थ्री नंबर को देखो और देखो, चेक करो कि क्या ये असल में डिविजिबल है। तो मुझे लगता है 8 9 जा 72, 8 8 जा 98 आ रहा है, ये पूरा डिविजिबल है। तो इसका मतलब हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, डिविजिबिलिटी बाई 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ़ सम ऑफ इट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर आप इस पूरी थ्योरी को ध्यान से देखें तो ये असल में डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी बाई 9 दोनों सेम जा रही है। डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड डिविजिबिलिटी बाई 9 दोनों क्या जा रही है, सेम जा रही है, यानी सम जो होना चाहिए, डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट लिया था वो इसी कंसेप्ट पर अटैम्प्ट लिया था। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं इन सारे नंबर्स को क्या कर, इन सारे डिजिट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इन सारे डिजिट्स को ऐड करने पर 4 4 8 1 9 9 18, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। दो चीज़ें याद रखेंगे, एक जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ डिजिट, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ नंबर्स, डिजिट्स के मिलने से नंबर्स बनते हैं। 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, लेकिन 23 एक डिजिट नहीं बल्कि ये क्या है, एक नंबर है। अब 2 एक नंबर का भी काम कर रहा है, एक डिजिट का भी काम कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो डिजिट असल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने ही डिजिट्स हमारे पास होते हैं,
बाकी के जितने भी नंबर्स आप देखते हैं वो असल में इन्हीं डिजिट्स का कुछ हेर फेर होता है, कुछ फॉर्मेशन होता है। जैसे 23 2 और 3 को कंबाइन करा दिया, जैसे 51 ले लिया तो 5 और 1 को कंबाइन करा दिया। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि ये डिजिट्स और नंबर्स में क्या अंतर है और इसको किस तरह से इसके डिफरेंस को हम समझ सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 10 एकदम आसान है, लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब लास्ट में जीरो का अगर हम कंसेप्ट देखते हैं तो हमें तीन जगह देखने को मिला। एक तो डिविजिबिलिटी बाई 2 में हमने देखा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में जीरो होना चाहिए। फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में भी हमने देखा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में जीरो होना चाहिए। और फिर अब हमारे पास आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10, इसमें भी लास्ट डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये नंबर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी के लिए तो आपको पता है कि कन्फर्म है लास्ट जो डिजिट होना चाहिए वो जीरो ही होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 11, ये थोड़ा सा अजीब सा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर जीरो और डिविजिबल बाई 11। मतलब इसको हमने नंबरिंग कर दी 1, 2, 3, 4, 5। अब आप जानते हैं कि जो 2 और 4 है वो इवन नंबर्स हो गए, यानी इवन प्लेस पर हैं, और जो 1, 3, 5 है ये कैसे पोजिशन पर हैं, ऑड पोजिशंस पर हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसको ज़रा ध्यान से समझना। ऑड नंबर पर अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को मिल रहा है 3 + 7 + 7, 7, 7, 14, और 3 क्या मिल जाता है, 17, जबकि 8 + 9 हमको क्या मिल जाता है, 17। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। और अभी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 17 - 17 करने पर हमको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। फिर से एक बार बता देते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11 थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें सम करना है, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस किनका किनका जनरेट करना है, एक तो ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका माइनस इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उन नंबर्स का सम, उन डिजिट्स का सम, इवन प्लेस ऑड प्लेस। ऑड पर अगर हम देखते हैं तो ऑड में हमें देखने को मिल रहे हैं 3 + 7 + 7, जबकि इवन पर हमें देखने को मिल रहे हैं 8 + 9। यहाँ से भी मिल जाता है 17 - 17 मिल जाता है क्या, जीरो। क्या मिल जाता है, जीरो। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाई 12, आप जानते हैं 12 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी 3 और 4, तो जो नंबर 4 और 3 से डिविजिबल होगा वो जाहिर सी बात है 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें तो अभी हम लोग पीछे डिविजिबिलिटी बाई 6 सीख करके आए थे, और उसमें बताया था कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। सेम प्रोसेस अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 में जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, तो फिर वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 25, लास्ट टू डिजिट, 25 लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई आइदर 0 और 25। अब जैसे 625 है, पूरा नंबर नहीं देखना, केवल लास्ट के टू डिजिट देखो, क्या ये 25 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब जरा फिर से कुछ रिवाइज कर देते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 5 में हमने क्या देखा, या तो लास्ट में जीरो हो या फिर 5 हो। डिविजिबिलिटी बाई 25 में हमने क्या देखा कि लास्ट, इसमें सिंगल लास्ट लास्ट डिजिट ही कंसीडर कर रहे थे, इसमें लास्ट टू डिजिट्स कंसीडर कर रहे हैं। कौन से, लास्ट टू डिजिट्स, और लास्ट टू डिजिट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो या तो जीरो हो या फिर 25 या फिर 25 का मल्टीपल हो। जबकि यही चीज़ अगर हम लोग देखें तो टू डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 4 और डिविजिबिलिटी बाई 8 में सीखा था, इसमें लास्ट डिजिट कंसीडर करते हैं, इसमें लास्ट टू डिजिट कंसीडर करते हैं, इसमें लास्ट थ्री डिजिट कंसीडर करते हैं। 5 में क्या है, लास्ट डिजिट, 25 में क्या है, लास्ट टू डिजिट, और अब अगर मैं पूछूं 125 तो अब आप समझ जाएंगे कि कितने डिजिट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे लास्ट थ्री डिजिट। आगे कहीं अगर होगा तो आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो आपको दिख रहा है 8, ये क्या है, 2 का क्यूब। इसी कंसेप्ट का यूज़ किया तो जो 25 है वो क्या है, 5 का स्क्वायर, जबकि यहाँ से अगर आप देखते हैं जो 125 है वो क्या है, वो है 5 का क्यूब। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी देखो, अभी पीछे बताया आगे आ गया। यहाँ पर देखो क्या है, लास्ट थ्री डिजिट्स आइदर 0 और 25,
25, आइदर 0 और 25। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। डिविजिबिलिटी बाई 18, आप जानते हैं दिस इज एक्चुअली द मल्टीपल ऑफ 9 एंड 2। क्या कहा? 9 एंड 2। तो जो नंबर 9 और 2 से डिविजिबल होगा वो 18 से भी डिविजिबल होगा। क्या कहा? जो नंबर 9 और 2 से डिविजिबल होगा वो 18 से भी डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबिलिटी वाले जो नंबर्स होते हैं उनको असल में हम क्या नाम देते हैं? इवन नंबर्स। इसलिए कहीं कहीं पर मैंने थ्योरी में लिख रखा है इवन, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 88, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 88 इफ इट इज डिविजिबल बाई 11 एंड 8। तो 88 नंबर जो होगा वो डिविजिबल बोला जाएगा जबकि नंबर 8 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो। 8 के लिए आपको क्या बताया था? लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए? 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो जो भी इन दो कंडीशंस को होल्ड करेगा वो डिविजिबिलिटी बाई 88 में चला जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है। डिविजिबिलिटी वाला सारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 8। अब देखो 8 से, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। कितने? लास्ट के 3 डिजिट्स। तो हम डिवाइड कराएंगे ये। अगर 8 का टेबल देखें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। अब इससे आगे की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर k की वैल्यू पूछ रहा है। अगर नंबर्स को देखें तो 6 यूनिट डिजिट है, तो 6 यहां पर ये इस पोजीशन पर जो फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर है वो क्या है? 6 है। तो या तो यहां पर k क्या हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली डिवाइड करा के देखते हैं। हमने मान लिया कि यहां पर 8 है तो यहां पर आ जाता है 64। अब अगर यहां पर हम 64 रखते हैं तो k की वैल्यू क्या रखें? ये तो डिवाइड हो जाता है, यहां से 2 बच जाता है। एक तो हो सकता है यहां पर k की वैल्यू 7, k की पहली वैल्यू हमने ढूंढ निकाली है क्या हो सकती है? 7। 7 में से 4 को सबट्रैक्ट करा या 3, और देखो 32 हमारे यहां पर 8 के टेबल में है और ये इजीली डिवाइड हो जाएगा 8 4 जा। तो कुल मिलाकर के नंबर डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू हमने ढूंढ निकाली है, k की वैल्यू क्या आ रही है? 7। एक दूसरा केस भी हो सकता है, फिर से जरा ध्यान देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 56 भी देखो मौजूद है, तो ऐसा भी हो सकता है कि k की कोई एक ऐसी वैल्यू हो जो असल में 7 से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने सबट्रैक्ट किया, k का नंबर कुछ ऐसा लिया जाए ताकि डिवाइड हो जाए। तो 56 k की वैल्यू 3 ले ली जाए। k की वैल्यू क्या ले ली जाए? 3। ध्यान से समझना, अगर हम 3 ले लेते हैं तो बना देता है 63 में से 56 को जरा माइनस करो तो मिल रहा है 7। और यहां से देखो, यहां से क्या मिल रहा है? 7। असल में देखो लास्ट वाला ये जो नंबर है ये है 2, और लास्ट में 2 तुमको दो ही जगह देखने को मिल रहा है, एक यहां पर और दूसरा हमको देखने को मिल रहा है यहां पर। इसका मतलब ये होगा कि या तो इसके पहले 3 हमको मिले या फिर इसके पहले हमको क्या मिले? 7 मिले। इसलिए हमने यहां पर उस तरीके का नंबर सेलेक्ट किया ताकि दोनों के सब्ट्रैक्शन से 3 मिल जाए। यहां पर इस तरह का नंबर लिया ताकि दोनों के सब्ट्रैक्शन से 7 मिल जाए। तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 7 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। लेकिन यहां पर अगर हम चार ऑप्शन देखते हैं तो 3 इज नॉट अवेलेबल इन अवर 4 ऑप्शन एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 88। एक्स और वाई की वैल्यूज पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं। 88, अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है तो इसका मतलब उसको 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और प्लस 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आप जानते हैं लास्ट के 3 डिजिट 2 3 y ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो मुझे लगता है 8 2 जा 7,
और वाई की वैल्यू अब जाहिर सी बात है कि कंफर्म हो जाएगी, क्या होगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये एकदम कंफर्म हो जाएगा, तभी बनेगा 72, और 8 9 जा 72, तो वाई की वैल्यू हमको मिल गई है 2 है, और वाई की वैल्यू 2 केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखो एक्स एंड वाई है ना, तो पहले वाली जो वैल्यू है वो एक्स की है, दूसरी वाली वैल्यू वाई की है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो भैया एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 5x 4 2 3y, ये देखो ये हमारे पास नंबर दिया गया है, इसमें अब डिविजिबिलिटी बाई 11 लगा देते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 11 में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो डिफरेंस है वो इवन 1 2 3 4 5 6 ये प्लेस हैं, तो इवन प्लेसेस पर हमें देखने को मिल रहा है x 2 y, इसका मतलब x+2+y, और एक वैल्यू हमें जो ऑड प्लेसेस पर देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 5+, देखो अब दिखा 5+4+3, 5 3 9 और 2 5 4 9+3, यानी 12 -x+y -2, डिफरेंस 0 हमने ले लिया, क्योंकि या तो वो 11 से डिविजिबल हो या फिर वहां पर 0 मिल जाए, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 10 आ रही है, जबकि ऑलरेडी y की वैल्यू जनरेट कर चुके हैं 2, जैसे ही रखा तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 8 मिल जाती है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि बाई ऑप्शन, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस बात को दिमाग में रखें, क्योंकि बच्चों का पेपर छूट बहुत ज़्यादा जाता है। पुराने वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, 38 वीडियो का वो प्लेलिस्ट है, और उसमें आप देखेंगे बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है, तो इतने प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, हमारा काम तो इतने सही चल गया था, इसलिए एग्जाम में पूरा अटेम्प्ट लेने की कोशिश नहीं करना, जहाँ से आपकी हेल्प हो, जहाँ से आपको मिल जाए उतने सही बात बन जाएगी। अच्छा यहाँ पर पूछ रहा, थोड़ा सा पोर्शन कट गया है, एक्स प्लस ये वाई है, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज, ठीक है, पूछ रहा है 10 डिजिट नंबर, ये भी आपको देखने को मिल रहा है, कह रहे डिविजिबल बाई 88। अब देखो फिर वही बात है, डिविजिबल बाई 88 का मतलब क्या हो गया, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है भाई, तो डिविजिबल बाई 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, अब देखो सीधे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, तो डिविजिबिलिटी बाई 11 चेक करेंगे, 1 ऑड प्लेसेस की कंडीशंस पोजीशन ले रहे हैं, 1 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9, यहां से आपको देखने को मिलेगा 1+3+x+5+y, ये ऑड प्लेसेस, माइनस इवन प्लेसेस पर कौन कौन से डिजिट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो 3+0+5+5 8+2, दोनों का डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ये डिविजिबिलिटी बाय 11 अप्लाई अप्लाई किया हुआ है, 3 1 4, 4 और 5 9 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 8 2 10, 10 और 8 18 इज़ टू 0, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको क्या देखने को मिल रही है, 9, अरे भाई 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, देन वी गेट दी -9, ट्रांसफर किया, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, विच आर दी टू नियरेस्ट नंबर्स डिविजिबल बाई 9। अच्छा पूछ रहा है कि इस नंबर के नियरेस्ट कौन से नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल होंगे, तो एक काम करो पहले जरा इसी नंबर को डिवाइड करा दो, किससे, 9 से, 1 9 5 9 6, मुझे लगता है 9 2 जा 18, कितना बचता है 1, 9 1 जा 9, कितना बच जाता है 6, फिर यहाँ से 9 आ जाता है, 9 7 जा 63, और यहाँ से कितना मिल जाता है 6 6, ये 6 आ जाता है, ये वाला 6 यहाँ पर आया है, तो फिर से कितने टाइम्स चला जाएगा, 7 टाइम्स, देन वी गेट दी 63, और रिमाइंडर बच रहा है 3। अब पूछ रहा है कि नियरेस्ट नंबर कौन से हैं, देखो ये पूरा नंबर बोल रहा है कि डिवाइड हो जाए, बोला है व्हाट इज द नियरेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 9,
या तो हम इसमें से ये 3 जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दें तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम इसमें क्या कर दें, अगर यहाँ 9 की जगह क्या हो जाता, अगर यहाँ 9 की जगह हो जाता 9, तो फिर 9 1 9 पूरा डिवाइड हो जाता। तो या तो 3 है, कितने की रिक्वायरमेंट है 6 की, या तो हम इसमें 6 ऐड कर दें। फिर से कंसेप्ट को समझेंगे, रिमाइंडर आ रहा है 3, रिमाइंडर आना चाहिए था क्या 0, 0 हमें दो कंडीशन में मिल सकता है, या तो यहाँ पर 3 की जगह इंडिविजुअली 0 हो जाए, मतलब 3 को पूरे सिस्टम से माइनस कर दो, तो 19593, 19593 देखो इस ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी एकदम सही है, तो दूसरा नंबर यही हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ 3 की जगह हो जाता 9, तब भी 1 टाइम में सब्ट्रैक्ट हो जाता 9 1 जा 9, तो अब ऑलरेडी 3 है तो कितना कम पड़ रहा है, 6 कम पड़ रहा है, तो 6 को ऐड कर देंगे, तो ओरिजिनल नंबर में 6 को ऐड कर दो। जैसे 6 को ऐड किया तो 9662, यानी 19602, 6612, और 12 में 2 कैरी 1 चला जाता है, 9110 आफ्टर देन 19602, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, अभी अभी पीछे आपको बताया है जिन नंबर्स के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, 8715, 15621, 21526, 26026, 126127, तो ये देखो नंबर जो है ये 27 आ रहा है, डिजिट्स का जो सम है वो क्या है 27, और 27 असल में 3 से डिविजिबल होता है, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो चेक भी कर लेते हैं। चलो 8 देख लेते हैं, 8715, 15015, 15318, 18 और 5, 23, 30, 32, और 32 आप जानते हैं 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, एक्स वाई इक्वल्स टू 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ पर बच्चा एक हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, x माइनस वाई के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि शायद इस तरीके के फॉर्मूलाज की स्टार्टिंग क्लास 6 स्टैंडर्ड से हैं, जबकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 4th और 5th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, देन वी गेट दी 15 स्क्वायर माइनस 4, x और y की वैल्यू क्या है 14। अब हमने क्या करा, यहाँ से 15 225 माइनस 56, अब हमने क्या किया 225 में से 56 को माइनस कर दिया, देन वी गेट दी 9, 9 यहाँ से 1, देन वी गेट दी 6, 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या है 13, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, और 4 नंबर्स आपको दे दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4, सो दैट द नंबर्स ऑब्टेंड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शंस। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम मान लेते हैं, लेट एक्स बी दैट रिक्वायर्ड नंबर, हमने मान लिया कि एक्स वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसको कि हर नंबर में ऐड करने पर ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो 8 प्लस एक्स अपॉन इन दो का प्रोपोर्शन एक के साथ में होगा, इन दो का प्रोपोर्शन एक के साथ में होगा, यानी 8 प्लस एक्स अपॉन 13 प्लस एक्स इक्वल 26 प्लस एक्स अपॉन, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 40 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 प्लस एक्स देन 40 प्लस एक्स इक्वल 26 प्लस एक्स 13 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका इस 8 का मल्टीप्लाई 40 से होगा, देन वी गेट दी 320, फिर एक्स से होगा, देन वी गेट दी प्लस 8x, फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई 40 से होगा 40x, और फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई इस एक्स से होगा, देन वी गेट दी एक्स स्क्वायर। सेम वर्किंग और सेम प्रोसेसिंग यहाँ पर भी होगी, तो 26 इंटू 13 प्लस 26x प्लस 13x प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाता है 320,
इन दोनों को ऐड किया तो हमें देखने को मिलता है 48x इक्वल 26 को हम लोग लिख सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई कराने का थोड़ा सा तरीका हम लोग समझेंगे। 26 को लिख सकते हैं 2 × 13, और ये वो वाला 13 है जो असल में यहाँ पर चल रहा है। 13 169 होता है इंटू 2, और यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है 9 2 18 कैरी 1 338। अच्छा अभी हमने दो चीज़ें नोटिस की, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें भी हमको कहीं ना कहीं स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ पर भी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी। तो एक जो नेक्स्ट अभी आपको देखने को मिलेगा पेज, उसमें कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो यहाँ से अभी हमको देखने को मिलता है 338 प्लस 26, इन दोनों को कंबाइन करा दिया, देन वी गेट दी 39x। अब एक काम करो, 39 को LHS से RHS में ले आओ, RHS से LHS में ले आओ, तो यहाँ से देखने को मिलेगा 48x माइनस 39x इक्वल 338 माइनस 320। इन दोनों को माइनस कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है 9x इक्वल, यहाँ से मिल जाता है 18। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू 2, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लर्न स्क्वायर टेबल, ये एक स्क्वायर टेबल है और ये आपको क्या करना है, याद करना है। तो एकदम आसान सा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 164, 13 स्क्वायर 169, इंपॉर्टेंट है, पिछले दो क्वेश्चंस में मिल चुका है, 14 स्क्वायर 160 196, एंड 5 स्क्वायर 225 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में मिला हुआ था, 6 स्क्वायर 256, 7 स्क्वायर 289, 8 स्क्वायर 324, 9 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 620, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 884, 841, एंड 30 स्क्वायर मीन्स 900। इस टेबल को आपको लर्न करना, ये टेबल भी इस कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आगे आने वाले भविष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ पॉजिटिव इंटीजर एन इज डिविजिबल बाई 3, 5 एंड 7, वॉट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाई ऑल दीज नंबर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा कंसेप्ट ये होता है कि एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले 3, 5 और 7 के एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 5, 7। तो एलसीएम निकालने का तरीका आप जानते होंगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड कराते हैं, 3 1 जा 3, 5 और 7 एज इट इज, फिर 5 से डिवाइड कराते हैं, ऑलरेडी 1 है, फिर 1, फिर 7, फिर 7 से डिवाइड करा देते हैं, देन 1 1 1। अब हमको देखने को मिलता है 5 3 जा 15 × 7, आप जानते हैं एलसीएम में क्या करते हैं, सभी का मल्टीप्लाई, 105, क्या मिलता है 105। अब 105, इफ आ पॉजिटिव इंटीजर एन इज डिविजिबल बाय, ये जो एन है ये असल में डिविजिबल है किससे, 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट लार्जर नंबर डिविजिबल बाई ऑल दीज थ्री नंबर्स, तीनों से डिविजिबल हो। अरे भैया यही जो 105 है इसी को इस एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जो ये जो नंबर होगा, एन बीइंग एनी नंबर, एन कोई भी नंबर हो सकता है, अब जो नंबर होगा वो इन थ्री नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। वैसे भी डिविजिबिलिटी बाई 3, 5 एंड 7 पीछे भी हम पढ़ा करके आए हैं। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81। अरे यार जो नंबर 81 से डिविजिबल होगा वो असल में 9 से डिविजिबल होगा, और 9 की डिविजिबिलिटी अभी चेक करने का तरीका हम लोगों ने पीछे सीख लिया था कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो मुझे लगता है 9 9 9, इन दोनों को ऐड कर दिया, अगेन वी गेट दी 9, और यही ऑप्शन ए सही है, बाकी किसी में भी सही नहीं निकलेगा। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9, इस ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं,
9, 9, 18, 27, 36 में जब हमने 8 ऐड किया देन वी गेट दी 44, और 44 आप जानते हैं 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपने सामने ये रहा, 20.285 रिकरिंग डेसिमल इसे बोलते हैं, आपको पीछे स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था। ये केस थोड़ा सा पिछले वाले केस से अलग है। लास्ट वाला जो केस था वो था 0.P bar और ये आउटपुट देता है P/9। क्या देता है? P/9। अब यहाँ पर जो है ये है P0.PQR और R पर रिकरिंग डेसिमल है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं PQR- जिन पर ये डेसिमल नहीं है यानी जिन पर ये लाइन नहीं है उन दोनों नंबर्स को माइनस कर दोगे। अगर एक पर एक लाइन खींची हुई है तो 9, बाकी जिन पर लाइन नहीं है वो 2 जीरो दे देते हैं, तो कुल मिलाकर के बन जाता है 900। अब 900 दो ऑप्शन में है, एक ऑप्शन ए है और दूसरा ऑप्शन सी है, तो चलो देख लेते हैं। पी क्यू आर का मतलब हो जाता है 285 में से पी क्यू को माइनस कर देते हैं, मतलब 28 को माइनस कर देते हैं 15, देन वी गेट दी 7 और 7 इसमें से दो ऑप्शन में है यहाँ पर, तो 900 देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। हालांकि अगर आप माइनस करेंगे देन 257 ही आपको मिलने वाला है। बाय ऑप्शन भी आप चीज़ों को कैच करेंगे किस तरीके से हमें कवर करना है। फिर हम लोग देखते हैं आगे और याद रखेंगे जो सी पी क्यू एस, जिन भी लोगों ने परचेस कर रखा है तो सी पी क्यू एस में एरर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सी पी क्यू एस को इसी वीडियो से कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर देख लेते हैं आगे। अब ये जो केस है, इस केस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस केस में आपको कुछ देखने को मिलेगा। 0.PQRS ये आर्टिकल है, तो अगर लास्ट टू में ये आपको रिकरिंग डेसिमल देखने को मिल रहा है तो प्रोसेस होता है PQRS- जिन पर नहीं है उनको माइनस करो अपॉन जिन पर, जितने डिजिट्स पर वो रिकरिंग डेसिमल है उतनी बार 9 आ जाता है, जैसे 2 डिजिट्स पर है तो 2 9, जिन पर नहीं है उतने 0, कुल मिलाकर के 9900। और 9900 अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी में ही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इवेलुएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मन नहीं मानता है तो आप कर सकते हैं 3856 हमारे पास ये आया, माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या है 38, देन वी गेट दी 16, 8, 4, 18, 3818 और आप देख रहे हैं 3818 ऑप्शन अपॉन में 9900 मिलने वाला है, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आई होंगी। फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं आती है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। साथ ही साथ अब स्टार्टिंग हो चुकी है, बस मुझसे बार बार कमेंट करके ये मत पूछना कि सर ये किस क्लास के लिए है किस क्लास के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक सिलेबस के पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को अच्छे से वॉच करना, आपको चीज़ें क्लियर कट समझ आने लगेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।